गिलहरी भी रहती हैं इस पे, काफ़ी सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे। मैं आसपास के मैंने तालाब भी देखे, सारे सूख चुके हैं। सो कोशिश करें कि यहाँ पे पक्षियों के लिए आपके पास अगर कोई अच्छा झाड़ हो तो एक उसमें उनके लिए व्यवस्था करके दें। तो मैंने एक ट्राई किया है, देखिए इस तरीके से मैंने अपने घर में तेल के डब्बे पड़े हुए थे, तो इसको इस तरह से काट के एक पानी के लिए और इस तरीके से ये वाला एक ये अनाज रख देंगे इसमें। ये अनाज के लिए हो गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। और ये वायर लिए मैंने, इनको मैं यहाँ पे बांधूँगा। ये सोचा था पहले कील मार दूँ, लेकिन कील मारेंगे पेड़ को लगेगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि पेड़ निर्जीव हैं, लेकिन निर्जीव नहीं होते, ये भी जीवंत हैं। सो इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए कील वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ ना करें। हो सके तो डोरी या तो फिर किसी वायर से चीज़ों को बांधने का प्रयत्न करें, कील मत मारें इन्हें, ठीक है। तो चलिए मैं इनको लगाता हूँ, यहाँ सेटअप करता हूँ, आपको दिखाऊँगा कि कैसा लगता है। तो जैसा देख सकते हैं वायर से ही बांध दिया है हमने इसको, और ये कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से मैंने दो सेक्शन यहाँ पर लटका दिए हैं, एक पानी के लिए और एक दाने के लिए। तो पहले पानी डाल के देखते हैं कैसा रहता है इसके अंदर। और पानी क्वांटिटी तो काफ़ी आ गई है, अब इसमें दाने डाल के देखते हैं। इस बार में दाने डालेंगे, ओके। सो ये दाने हो गए चिड़ियों के लिए। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, ऐसी सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, और इससे पक्षियों के लिए भूख प्यास बेचारे इधर उधर भटके, इससे अच्छी ऐसे हर झाड़ पे अगर लगा हो तो बहुत सही है। और भी ख़ास तो ये गर्मियों में ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।